स्कॉर्पियो एडवेंचर एस टेन महिंद्रा की जान मान सम्मान सब स्कॉर्पियो एडवेंचर है ना भैया? बिल्कुल, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। 2000 हे गाइस वेलकम बैक, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों मैं आ गया हूँ थर्ड बार, भोपाल आया हूँ मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश में आप कहीं भी आना, भोपाल में आ जाना, लेकिन एक बार गाड़ी हर जगह देखना, एक बार कारविन में जरूर विजिट करना। कैसे भैया? बिल्कुल, हर जगह देखना लेकिन एक बार कारविन विजिट करना, कारविन मोटर में आपको पता चल जाएगा गाड़ी के एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। लेकिन बहुत सारी आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन एक बार आपको यहाँ पे विजिट करना है, ठीक है? आज अपन मेरे साथ हैं भैया, और भैया सब बढ़िया। एक बार नाम बता दीजिएगा। जेद भैया है। आज बहुत सारी गाड़ी है, 25 से 30 गाड़ी है, लेकिन आज दिखाने वाले भैया थोड़ा कम रेट की सही। स्कॉर्पियो एडवेंचर एस टेन महिंद्रा की जान मान सम्मान सब स्कॉर्पियो एडवेंचर है ना भैया? बिल्कुल, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। 2016 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है भैया जी। 82 सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है। हाँ, 82,000 सर्विस रिकॉर्ड है जी। अगर टायर वगैरह पूरा सर्विस हुई है, पूरी कंपनी में हुई है, पूरी कंपनी में कंपनी सर्विस हुई है। फर्स्ट ओनर है। अंदर इंटीरियर बहुत अच्छा है, बाकी हैंड रूफ वगैरह सब टोटल चीज़ मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, इंटीरियर दिखा देता हूँ, स्कॉर्पियो आई है इसलिए। भाई लोग आप लोग इंटीरियर में दिखा देता हूँ, ये रही एडवेंचर स्टाइल, इसलिए बोलते हैं। आप इससे देख के समझ गए हिमालय बना हुआ है। चलो भाई, वाइट कलर में है, कंडीशन में है, डुअल ब्लैक एंड वाइट में इसका इंटीरियर मिल जाएगा आपको। काफ़ी अच्छी कंडीशन में है यार भाई, देख के दिल खुश हो जाएगा आप लोग को। रूफ वगैरह पूरा न्यू, जैसे सभी गाड़ियों में रहता है न्यू गाड़ी का ना, इस टाइप से रख करके रखे हैं भैया ने। ये देखिए पूरा। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कर देना, गाड़ी कैसे लगी कमेंट कर देना, और हमारे भैया साहब को भी कमेंट कर देना। 7999 जी। अब भोपाल नंबर लेंगे 04, तो कुछ तो रहना चाहिए ना भाई, लगना चाहिए ना 04 नंबर है, तो 7999 है ना भैया? बिल्कुल। इसका प्राइस काट लें भैया? 1160 आस्किंग है। 1160 ईयर कब की है? तो 2016 की। 1160,000 रुपये, इसमें रेट कम हो जाएगा ना कुछ? जो भी नेगोशिएशन रहेगा, नेगोशिएबल हो, ठीक है। 1160,000 ये फाइनेंस कितना करवा देंगे? इस पे अपन 8 से 10 लाख रुपए तक का फाइनेंस। 8 से 10 लाख जी, जब समथिंग 1.5 लाख के आसपास लेके आना पड़ेगा। डेढ़ दो स्कॉर्पियो लोगों भाई उतना देना पड़ेगा ना, ठीक भैया? बाकी फॉर्चूनर देख लेते हैं यार बहुत टाइम बाद। 2014 मॉडल है। हाँ, सेकेंड ओनर गाड़ी है, ऑटोमेटिक है, 4x2 है ऑटोमेटिक। टोयोटा के फॉर्चूनर, मतलब टोयोटा की भी पूरी जान यही है, इनोवा और फॉर्चूनर, ठीक है भैया? हाँ, फर्स्ट ओनर है भैया ये? सेकंड ओनर है। रूफ वगैरह चेक कर लेता हूँ आपको बताने के लिए, नहीं तो आप लोग बोलते हैं भैया गलत चीज़ दिखा देते हो, गलत नहीं दिखाऊंगा आपको। पीछे चालू है भाई, पीछे भी एक नंबर है, वाइपर वगैरह सब लगा हुआ है, वाइट कलर में, टायर वगैरह पूरा 100% न्यू है, इंटीरियर लाजवाब है, गद्दे वाले सीट लगी है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ बैठो भैया। इसके बारे में बताएं थोड़ा। इसका 15 लाख रुपये आस्किंग है। 15 लाख जी। 2000 के बताए थे? 14 की। 15 लाख फाइनेंस कितना करवा देंगे? तो अपन 12 लाख तक करवा देंगे। 12 लाख तक फाइनेंस करवा देंगे, ठीक है। एक बार भैया आप अपना एड्रेस बताइएगा। एड्रेस अपना आशिमा मॉल आएंगे आप। हाँ? आशिमा मॉल के जस्ट थोड़ा सा आएंगे, वृंदावन ढाबा है। हाँ? उसके जस्ट बगल में अपना कारविन मोटर्स है। तो भैया आप लोग एड्रेस देख लिए, कारविन मोटर भोपाल में आ जाना है। बाकी कोई भी इशू होता है आप कमेंट कर देना, भैया भी कमेंट वगैरह पढ़ेंगे, और आप रेट वगैरह के लिए बारे में जो भी जानना होगा आप कमेंट कर देना, मैं भी रिप्लाई करूंगा, भैया भी करेंगे। बाकी आने से पहले सिविल वगैरह चेक करवा के मस्त अच्छे से फिर आना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना, जितना भी यहाँ का अपडेट होगा न्यू स्टॉक मैं आपको हर मंथ दूंगा, ठीक है भैया? रैपिड। अच्छा, स्कोडा की रैपिड है जी, डीजल सेडान है ना? डीजल है, डीजल फर्स्ट ओनर 2015 मॉडल, 2015 की फर्स्ट ओनर है जी। चलिए ठीक है, 70,000 चली हुई है गाड़ी, किलोमीटर 70,000 चली जी। बाकी टायर वगैरह सब ठीक ठाक है ना? 580 कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं ना? कुछ भी दिक्कत नहीं है, अपन इंजन से बनी गाड़ी और एक्सीडेंटल गाड़ी रखते ही नहीं है। अच्छा, दोनों कंपनी में ले आके चेक करा लीजिए, ठीक है। रेट का डालें इसका भैया? इसका 580 आस्किंग है। 580 जी, 5,80,000 रुपये। इसमें जो भी नेगोशिएशन रहेगा कम हो जाएगा, नेगोशिएशन वगैरह हो जाएगा। बिल्कुल, मेरे माध्यम से कोई ज़्यादा थोड़ा बहुत मिलेगा डिस्काउंट? बिल्कुल, थोड़ा बहुत क्या, पूरा दे देंगे। मतलब हो गया 10-20-30 तक आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ आने से पहले मेरा नाम बताना पड़ेगा, मान सम्मान में जो भी हो जाए। हाँ, मान सम्मान में जो भी आए, फेस टू फेस ऑन टेबल, ठीक है। जैसे आप आएंगे यहाँ पे मेरा नाम बताना, आपको कोमल माझी के माध्यम से आया, मतलब यूट्यूब चैनल देख के, फिर आपको इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा सभी गाड़ियों में, ठीक भैया? बिल्कुल। चलते हैं अपन, एक कौन सी भैया? 2020 की डिजायर है मेरे पास, डीजल फर्स्ट ओनर। डीजल है वो भी? डीजल है भाई, डीजल कहीं नहीं मिलती है, कार्बिन भोपाल आ जाना मिल जाएगी, ठीक है भैया? 2000 कब की भैया ये? 20 की है, 2020 की डीजल। टॉप मॉडल कौन सी है? टॉप, सेकंड टॉप है, ZX, ZXi। हाँ, ZXi DDIDS एंड डीजल।
इसके बारे में बताया भैया? इसका 8-25 आस्किंग है। 8,25,000 जी। डीजल है इसलिए ना? डीजल पेट्रोल रहती तो उतना तो नहीं आ जाए। महाराष्ट्र पासिंग है, MT04 करवा के दूंगा आपको। कहाँ का नंबर है? महाराष्ट्र का है। अच्छा, महाराष्ट्र। एमएच नंबर है? एमएच नंबर। नंबर इंडिया लाए, इसमें आपको नंबर जब ट्रांसफर कराएंगे ना तो नंबर करके देंगे, है ना? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप नाम ट्रांसफर इंश्योरेंस वगैरह अलग से चार्ज करते हैं कुछ में? नहीं, उसमें ऐड रहता है। उसमें ऐड रहता है, जो भी रेट बता रहे हैं आपको अलग से कुछ भी नहीं देना है, जो भी है उससे के अंदर भैया से बात करना है। आने से पहले सिविल चेक करवा लेना सबसे पहले। जैसे क्या, भोपाल से चलो ठीक है, दूर से आए 400-500 किलोमीटर आए, पता लगा सिविल खराब है, फिर उसी चल रही है उसी ट्रेन से, ठीक है? सही बात। चेक करवा लें फिर आना, ठीक भैया? बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बराबर कर दीजिए, इससे भी अच्छा आपको और भी भैया के पास कलेक्शन आएगा, तो फिर अब मैं आपको हमेशा अपडेट कर दूँगा, ठीक है भैया? ये कौन सी भैया? मोबिलियो 7-सीटर। मोबिलियो है, 2014 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डीजल है। डीजल है ये? हाँ, मतलब इधर डीजल डीजल रखे हैं क्या? बिल्कुल, 7-सीटर है। अच्छा, 7-सीटर है जी। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, पीछे देख लेता हूँ, स्क्रैच वगैरह तो नहीं है? ठीक है, कंडीशन में अच्छी है, इंटीरियर भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, डीजल भी, होंडा की मोबिलियो है, 7-सीटर है ना भैया जी? इसका 5.5 लाख रुपये आस्किंग है। 2000 कब की भैया? 2014 की 5.5 लाख जी। फाइनेंस कितना हो जाएगा इसमें? इस पे 4 तक हो जाएगा। 4 तक ना? 4। डाउन पेमेंट कितना लाना पड़ेगा जी? डाउन पेमेंट 1-1.5 लाख रुपये। 1-1.5 लाख रुपये लेना है, आपके यहाँ जाना है, बाकी फाइनेंस का टेंशन नहीं लेना है, सिविल चेक करा लेना, बाकी सब भैया करवा देंगे, ठीक है? इनका नंबर दे दूंगा, अभी स्क्रॉल कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा भैया का नंबर, ठीक है? उसके बाद अपने ईगो स्पोर्ट 2017 डीजल ब्लैक कलर, मतलब अल्टीमेट ईको भैया जी? ईको स्पोर्ट। ईको स्पोर्ट है, डीजल है पेट्रोल भैया? डीजल। डीजल है ना जी? आपको इसको लेना होगा ना, कॉल कर लेना 7987040230 7000499557 पे, बाकी नंबर भैया का डाल दूंगा मैं, वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए। इसके बारे में बताइए भैया। 2017 का मॉडल है, 65,000 चली हुई है गाड़ी। हाँ? और 7,25,000 रुपये आस्किंग है इसकी। 7,25,000 जी। फाइनेंस कितना हो जाएगा इसमें? इस पर 6 तक हो जाएगा। 6 लाख तक हो जाएगा, 1,25,000 आ रहा है, बाकी 25 आप लोग के हाथ में आके बताना पड़ेगा नाम, तो भैया फिर देख लेंगे, बाकी 1,25,000 आपको डाउन पेमेंट लगेगा, आने के बाद फिर वो थोड़ा वो जो कम होगा हो जाएगा। बाकी फर्स्ट ओनर भैया ना? ये सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर उसको लगता है कि मान लो कोई बोलता है भैया यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच वगैरह, तो उसको दिखा देते हैं, बाकी कंप्लीट करके भी देते हैं, ठीक है? अपन चलते हैं आगे। फिर ब्लैक कलर है, थोड़ा महिंद्रा की रेक्सोन है। रेक्सोन महिंद्रा की? महिंद्रा की आती थी पहले जी, 2013 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, सनरूफ प्लस ऑटोमेटिक। रेक्सोन इसका लोगो बहुत है यार, महिंद्रा की लोगो है, महिंद्रा की रेक्सोन। रेक्सोन ब्लैक कलर में भी है। 2000 कब की बताया भैया? 13 का मॉडल है, सनरूफ है गाड़ी में, सनरूफ ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है जी, बाकी टायर वगैरह पूरा नया है, स्क्रैच वगैरह नहीं है भैया, अंदर एकदम वेरी गुड कंडीशन में। ऑटो कह रहे यार? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है ना जी। फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। किलोमीटर क्या चलिए? 84,000 चलिए। 84। अच्छा, 84 जी। इसका प्राइस क्या रखें भैया? इसका 7.5 लाख रुपये। इतना बड़ा गाड़ी का 7.5 लाख? बिल्कुल, ये तो बराबर पड़ गया, इसी के लिए आ दे फिर। बिल्कुल, डीजल ही होगा ना? डीजल। डीजल ही आएगी, फाइनेंस हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। फाइनेंस हो जाएगी भैया, बाकी भैया का नंबर दे दूंगा, कॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद अपन चलते हैं। XUV है, 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। आपको अभी दिखाने XUV 5 डबल है, महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV गाड़ी में से XUV 5 डबल है। बाकी अभी भैया कभी बेचे जस्ट ने आप? हाँ, अभी एक व्हाइट कलर, व्हाइट कलर में चली गई है, सिल्वर कलर है आपकी होगी, लेकिन आप उससे पहले आने से पहले सिविल वगैरह चेक करवा के भैया से बात करके देख लीजिएगा। बिल्कुल, डील पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके। W6 है, 2016 का मॉडल है, W6 है जी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 78,000 इसकी रनिंग है। कितना रनिंग है भैया? 78,000। बाकी देख रहे, बाकी गाड़ी थोड़ा इसलिए गंदी हो गई है क्योंकि रोड है पीछे, इधर रोड है तो रोड से धूल वगैरह आता है, गाड़ी साफ करने वाला नहीं आया। और अब संडे है, संडे खुलता भी नहीं है, खुलता नहीं। भैया को मैं फोन किया तो भैया बोले चलो आप आ जाओ मैं खोल दूंगा, ये आपके लिए है, तो भैया को भी प्यार बनाए, अपना भी सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहें बराबर। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मात्र 8.5 लाख रुपये। 8.5 लाख। 2000 कब की है? 2016 की। 8.5 लाख। फाइनेंस कितना हो जाएगा इसमें? इस पर 7.5 तक हो जाएगा। 7 तक हो जाएगा। बिल्कुल। अब भाई 5 डॉलर लोगे तो 1.5-2 लाख तो देना पड़ेगा ना, बाकी उसमें भी कम करवा लेना भैया से। बिल्कुल, नाम बताना कोमल माँ जी, बाकी हो जाएगा। नहीं करेंगे तो कमेंट कर देना, फिर भैया से मैं बात कर लूँगा। ये भैया की पर्सनल गाड़ी है, इसको सेल नहीं करना है। सेल नहीं करना आ जाइए, सेल नहीं करेंगे इसको? नहीं, इसको। अरे कर दो भैया यार। हाँ, स्कॉर्पियो दे दो फिर। स्कॉर्पियो एडवेंचर S10 है।